गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आप कुछ नया सीखेंगे, लेकिन उससे पहले पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं फॉन्ट कलर का उपयोग क्यों करते हैं? फॉन्ट कलर की मदद से आप अपने टेक्स्ट और नंबर के कलर को बदल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर में क्या अंतर होता है? स्प्रेडशीट में बैकग्राउंड कलर की मदद से आप अपने टेक्स्ट के पीछे का कलर बदल सकते हैं और फॉन्ट कलर से आप सिर्फ टेक्स्ट और नंबर का कलर बदल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं बोल्ड की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? बोल्ड करने के लिए आप शॉर्टकट कमांड Ctrl+B का उपयोग करेंगे। क्या आप बता सकते हैं इटैलिक की शॉर्टकट कमांड क्या होती है और इसका उपयोग क्यों करते हैं? इटैलिक की शॉर्टकट कमांड Ctrl+I होती है और इटैलिक के द्वारा आप अपने टेक्स्ट और नंबर को तिरछा कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं अलाइनमेंट कितने प्रकार की होती है? अलाइनमेंट 4 प्रकार की होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। क्या आप बता सकते हैं सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट कमांड Ctrl+E होती है। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और बताए गए तरीके से आप अपने कैल्क की फाइल को ओपन करें। आइए जानते हैं आज आप क्या सीखेंगे। सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद आप व्यू मेन्यू के कुछ ऑप्शन जैसे कि नॉर्मल, पेज ब्रेक, टूल बार, फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, कॉलम एंड रो हेडर, साइड बार और जूम के बारे में सीखेंगे और आखिर में आप पिछली क्लास के फॉर्मूला का रिवीजन करेंगे। अब आप सामने दिए गए टेबल को बनाएं अथवा आप खुद से कोई भी टेबल बना सकते हैं। आइए अब व्यू मेन्यू के बारे में सीखना शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, व्यू ऑप्शन आपकी मदद करता है कुछ महत्वपूर्ण टूल को शो और हाइड करने में। आइए अब सबसे पहले पेज ब्रेक प्रीव्यू के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू का उपयोग क्यों करते हैं? पेज ब्रेक प्रीव्यू की मदद से आप अपनी सीट पर उस जगह तक देख सकते हैं जहां तक आपने उस पर कुछ टाइप किया है या कुछ कार्य किया है, यहाँ तक आपने स्पेस क्यों ना दिया हो और आप इसमें टाइप भी कर सकते हैं। आइए वीडियो की मदद से पेज ब्रेक प्रीव्यू का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से पेज ब्रेक प्रीव्यू करना सीखें। स्प्रेडशीट की पेज को कैसे ब्रेक करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कुछ डेटा टाइप किया है। सबसे पहले व्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपने पॉइंटर को पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जितना हमने टाइप किया था, जहां तक हमने डेटा बनाया था, सिर्फ वहीं तक ये सिलेक्ट है, बाकी के सभी ऑप्शंस हाइड हो गए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पेज ब्रेक से आप जितना टाइप करते हैं या स्पेस देते हैं, सिर्फ उसी को ये दिखाता है, बाकी के ऑप्शंस को नहीं दिखाता। इस प्रकार से आप पेज ब्रेक प्रीव्यू का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब नॉर्मल ऑप्शन के बारे में सीखते हैं। क्या आप जानते हैं नॉर्मल ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? नॉर्मल ऑप्शन की मदद से आप अपने सीट को एक नॉर्मल व्यू में देख सकते हैं और उसे एक पूरी सीट की तरह देख सकते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर नॉर्मल के बारे में सीखें। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं नॉर्मल को उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये पेज ब्रेक प्रीव्यू में है, जहां तक हमने टाइप किया था सिर्फ वहीं तक ये अभी सिलेक्ट है।
इसको नॉर्मल करना है। नॉर्मल करने के लिए सबसे पहले व्यू मेन्यू पे क्लिक करें, एक बॉक्स आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पेज ब्रेक प्रीव्यू सेलेक्ट है, जहाँ तक हमने टाइप किया था सिर्फ वहीं तक अभी दिख रहा है। हमें पूरी सीट को देखना है तो इसके लिए हम नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो वह नॉर्मल व्यू में आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप चाहें सीट वन, सीट टू, इन सभी को आप देख सकते हैं, लेकिन पेज ब्रेक प्रीव्यू में आप सिर्फ वही देख सकते हैं जहाँ तक आपने टाइप किया है। इस प्रकार से आप नॉर्मल कर सकते हैं। आइए अब टूल बार के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं टूल बार का उपयोग क्यों करते हैं? टूल बार की मदद से आप टूल्स को हाइड और शो कर सकते हैं। आइए वीडियो की मदद से टूल बार के कुछ ऑप्शंस को हाइड और शो करना सीखें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, सबसे पहले हम व्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे, एक बॉक्स आ जाएगा। बॉक्स आने के बाद अपने पॉइंटर को टूल बार पे लेके जाना है। टूल बार पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले फाइंड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे जो फाइंड का ऑप्शन है वो हाइड हो जाएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे अभी फाइंड का ऑप्शन नहीं है। फिर से अपने पॉइंटर को व्यू मेन्यू पे लेके आए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। टूल बार ऑप्शन को सेलेक्ट करें, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग लिखा है, फॉर्मेटिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। जैसे ही फॉर्मेटिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जो आपकी फॉर्मेटिंग बार है वो हाइड हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें, एक बॉक्स आएगा। फिर अपने पॉइंटर को टूल बार पे लेके आए, उसके कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। स्टैंडर्ड को सेलेक्ट कर लें, जैसे ही स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करेंगे जो स्टैंडर्ड टूल बार का ऑप्शन है वो हाइड हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। फिर से अपने पॉइंटर को व्यू मेन्यू पे लेके आए, वहां पे क्लिक करें, टूल बार को सेलेक्ट करें, सबसे आखिर में फॉर्मूला बार का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे ही फॉर्मूला बार को सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आपकी सीट पे फॉर्मूला बार का ऑप्शन था वो हाइड हो गया। अभी हम इस सभी ऑप्शंस को वापस लाएंगे। वापस लाने के लिए सबसे पहले व्यू मेन्यू पे क्लिक करें, फिर टूल बार को सेलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। जैसे ही टूल बार को सेलेक्ट करेंगे इसको ऑप्शन आ जाएगा, हमने सबसे पहले फॉर्मेटिंग लाना है। फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं फॉर्मेटिंग बार यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें, अपने पॉइंटर को टूल बार पे लेके जाएं, उसके ऑप्शंस आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दें, जैसे ही स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही हमें इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे पॉइंटर रखा और हल्का से ड्रैग किया, जैसे हमने इसको नीचे की साइड मूव किया तो जो स्टैंडर्ड टूल बार का ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर से अपने पॉइंटर को व्यू मेन्यू पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। अपने पॉइंटर को टूल बार पे लेके जाएं, टूल बार को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मूला बार पे क्लिक कर दें। जैसे ही फॉर्मूला बार पे क्लिक करेंगे जो फॉर्मूला बार हाइड हो गया था वो फिर से वापस आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर से अपने पॉइंटर को व्यू मेन्यू पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक करें, एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। टूल बार को सेलेक्ट करें, टूल बार को सेलेक्ट करने के बाद उसके ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। फाइंड पे क्लिक कर दें, जैसे आप फाइंड पे क्लिक करेंगे जो फाइंड का ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से आप टूल बार की मदद से कुछ महत्वपूर्ण टूल्स को हाइड और शो कर सकते हैं। आइए अब फॉर्मूला बार के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं फॉर्मूला बार का उपयोग क्यों करते हैं? फॉर्मूला बार की मदद से आप अपने फॉर्मूला के बारे में जान सकते हैं और फॉर्मूला के द्वारा कुछ बदल भी सकते हैं। आइए अब फॉर्मूला बार को हाइड और शो करना सीखें।
आइए वीडियो की मदद से फॉर्मूला बार के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले व्यू मेन्यू पे क्लिक करें, अपने पॉइंटर को फॉर्मूला बार पे लेके आए और उस पर क्लिक कर दें। जैसे आप फॉर्मूला बार पे क्लिक करेंगे, जो आपकी जो फॉर्मूला बार है वो हाइड हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसे फिर से वापस लाना है, व्यू मेन्यू पे क्लिक करें, एक बॉक्स आएगा, फिर से फॉर्मूला बार पे क्लिक कर दें, तो आप देखेंगे जो आपके फॉर्मूला बार है वह वापिस आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला बार को हाइड और शो कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन वैल्यू हाईलाइट का है। वैल्यू हाईलाइटिंग की मदद से आप अपने सीट पर किए गए कार्य को हाईलाइट करके दिखा सकते हैं, लेकिन यह वैल्यू के टाइप पर निर्भर करता है कि वह वैल्यू कौन सी है। आइए अब वीडियो की मदद से वैल्यू हाईलाइट करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से वैल्यू हाईलाइटेड ऑप्शन का उपयोग करना सीखें। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक डेटा टाइप किया है, यहाँ पे एक टेबल टाइप किया है। अब सबसे पहले अपने पॉइंटर को व्यू मेन्यू पे लेके जाना है, वहां पे क्लिक करना है, एक बॉक्स आ जाएगा, फिर वैल्यू हाईलाइटिंग पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप वैल्यू हाईलाइटिंग पे क्लिक करेंगे, जितने भी आपने वैल्यू लिखा था, जो नंबर्स लिखे थे, उसे हाईलाइट करके दिखाएगा, और जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट को हाईलाइट नहीं होगा, सिर्फ नंबर्स को हाईलाइट करेगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एफ टाइप किया तो उसे हाईलाइट नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमने नंबर को टाइप किया तो उसे हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। आप कोई से भी नंबर लिखेंगे, उन सभी नंबर को ये हाईलाइट करके दिखाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें, वैल्यू हाईलाइटिंग पे क्लिक कर दें। जैसे वैल्यू हाईलाइटिंग पे क्लिक करेंगे, जो ऑप्शन वैल्यू हाईलाइट हो रहे थे वो फिर से हाइड हो जाएगा, वो पहले जैसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप वैल्यू हाईलाइटेड का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब साइड बार के बारे में सीखते हैं। क्या आप जानते हैं साइड बार का उपयोग क्यों करते हैं? साइड बार एक शॉर्टकट तरीके से आपके कार्यों को करने में मदद करता है, क्योंकि जो कार्य आप सीट पर करते हैं उसके ऑप्शन को भी आप साइड बार में देख सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से साइड बार को हाइड और शो करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से साइड बार को हाइड और शो करना सीखें। सबसे पहले अपने पॉइंटर को व्यू मेन्यू पे लेके आए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, वहां पे क्लिक करें, एक बॉक्स आ जाएगा, फिर अपने पॉइंटर को साइड बार ऑप्शन पे लेके जाना है। जैसे कि देख सकते हैं ये अभी सिलेक्ट है, इस पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, जो साइड बार है जो आपकी राइट साइड में है वो हाइड हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अगर आप साइड बार को फिर से वापस लाना चाहते हैं, फिर से व्यू मेन्यू पे क्लिक करें, अपने पॉइंटर को साइड बार ऑप्शन पे लेके जाएं और उस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे, जो साइड बार का ऑप्शन है वो फिर से आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप साइड बार को हाइड और शो कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जूम बॉक्स का है। क्या आप जानते हैं जूम का उपयोग क्यों करते हैं? जूम की मदद से आप अपने एक्टिव सीट को बड़ा कर सकते हैं अथवा उसके साइज को कम कर सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से जूम का उपयोग करना सीखें। वीडियो की मदद से जूम ऑप्शन के बारे में सीखें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जूम से आप सीट फाइल के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पॉइंटर को फॉर्मेट, जो स्टेटस बार के अंदर यहाँ जूम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, आप चाहें तो यहाँ से पेज के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जो प्लस का बटन है उससे आप पेज की साइज को ज्यादा कर सकते हैं, और जो माइनस का बटन है उससे आप पेज की वैल्यू को, उसके साइज को कम कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इसके लिए आप व्यू मेन्यू का भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले व्यू मेन्यू पे क्लिक करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। व्यू मेन्यू पे क्लिक करने के बाद जूम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही जूम के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे,
यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे कि 100% वेरिएबल, फिट विथ हाइट। वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप पेज के साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं, उसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हम उसके साइज को यहाँ से जितना मर्जी चाहिए उतना आप यहाँ पे उसके परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अगर आप 100% पे चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 100% को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर ओके पे क्लिक कर दें, जो आपकी सीट है वो 100% जूम पे आ जाएगा, और वेरिएबल से आप उसके साइज को 100% से ज़्यादा या उससे कम कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जूम का उपयोग करना सीख सकते हैं। अब आप सभी सम, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन का अभ्यास करें। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से सम और डिवीजन फॉर्मूला का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे डेटा टाइप किया हुआ है। अभी हमें सबसे पहले हम सम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इक्वल इक्वल टू के सिंबल टाइप करें, उसके बाद सम लिखें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट करें, जिस नंबर का हमें टोटल करना है उस नंबर को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है हमने तीनों नंबर को सेलेक्ट कर लिया, फिर ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन दबा दिया, तो इस सभी का टोटल वैल्यू यहाँ पे दिखा दिया। हमें बाकी सभी और नंबर्स का टोटल निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले उस नंबर को हम सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पे ब्लैक कलर का बटन है पॉइंटर को वहां रख के नीचे की साइड ड्रैग करेंगे, जैसे ही ड्रैग करेंगे इन सभी नंबर का टोटल करके यहाँ पे आपको दिखा देगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद हमें, जैसे कि आप देखते हैं साइकिल वाले ऑप्शन पे, इन सब का हमें टोटल निकालना है, यहाँ पे हमें इसका डिवीजन करना है, तो हमने यहाँ पे डिवीजन लिखा, इसको हमें भाग देना है। अब इसके साइड में हम पॉइंटर को रखेंगे डिवीजन करने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं हम क्वांटिटेंट फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्वल टू को टाइप किया, जिसके बाद हम फॉर्मूला का नाम टाइप करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है हमने यहाँ पे क्वांटिटेंट टाइप किया, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स का ऑप्शन आ जाएगा, आपको किससे किस संख्या को भाग देना है सबसे पहले वो लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे 48 टाइप किया, फिर उसके बाद सेमी कॉलन का सिंबल लगाएं। अब इस नंबर को किससे आपको भाग देना है वो नंबर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, हमने 42 को 12 से डिवाइड करना है, तो हमने यहाँ पे 12 को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, जैसे ही क्लोज करेंगे उसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर दें तो उसको डिवाइड करके यहाँ पे उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से आप सम और डिवीजन फॉर्मूला का अभ्यास कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। अब आप सभी एवरेज, मैक्स, मिनिमम के फॉर्मूलों के बारे में सीखेंगे। आइए सामने दिए गए चित्र की मदद से एवरेज के फॉर्मूला को लगाने के तरीका को समझें। आइए वीडियो की मदद से एवरेज वैल्यू निकालना सीखें। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल टू को टाइप करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, उसके बाद एवरेज लिखें। एवरेज लिखने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जिस नंबर का एवरेज निकालना है उस नंबर को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है हमने तीन नंबर को सेलेक्ट कर लिया, 12, 16, 20, इनका हमें एवरेज निकालना है, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया, फिर एंटर बटन दबा दिया, जैसे एंटर बटन दबाएंगे इसका एवरेज वैल्यू को निकाल के यहाँ पे दिखाई देगा, उसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरे तरीके से हम एवरेज वैल्यू को निकालेंगे, फिर से इक्वल टू लिखें, एवरेज लिखें, ब्रैकेट को स्टार्ट करें, हमें 16 निकालना है,
ये 60 हमने टोटल निकाला हुआ है, हमने इसका टोटल किया था, हमने इसको पहले इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको डिवाइड कर देंगे। टोटल हमारे पास 3 आइटम्स है, उसको हमने 3 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, 36, 12, 21, तो इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज किया। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर बटन दबा देंगे। जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे जो इसकी एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब हमें बाकी सभी का एवरेज वैल्यू निकालना है, तो हम एक नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका हमने पहले से एवरेज वैल्यू निकालना है निकाला हुआ है, और इसको हम ब्लैक कलर के बॉक्स जहाँ पे आया हुआ है, डॉट आया हुआ है, वहां पे कर्सर रख के नीचे ड्रैग कर देंगे, तो बाकी सभी वैल्यू को एवरेज वैल्यू निकाल के दिखा देगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप एवरेज निकालना सीख सकते हैं। आइए अब मैक्सिमम फॉर्मूला के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं मैक्सिमम फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं? मैक्स की मदद से आप किसी भी रिकॉर्ड डेटा अथवा नंबरों में से मैक्सिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। आइए सामने दिए गए चित्र की मदद से मैक्स के फॉर्मूला को लगाने के तरीका को समझें। आइए अब वीडियो की मदद से मैक्स फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। वीडियो की मदद से मैक्सिमम फॉर्मूला के बारे में सीखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, सबसे पहले इक्वल टू सिंबल को हम इंसर्ट करेंगे। इक्वल टू सिंबल को टाइप करने के बाद मैक्सिमम फॉर्मूला का शॉर्टकट मैक्स होता है, तो हमने यहाँ पे मैक्स को टाइप किया, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट किया। ब्रैकेट को स्टार्ट करने के लिए Shift 9 बटन का प्रेस करें, जिसमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है उस नंबर को सेलेक्ट कर लें। जैसे कि हमने यहाँ पे इन 3 नंबर में से मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो हमने इन तीनों नंबर को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद एंटर बटन को प्रेस करें, तो आप देख सकते हैं इन तीनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया। 20 में से सबसे बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे 20 को काउंट करके यहाँ पे 20 आ गया। इसी प्रकार से आप इसको सिलेक्ट करके नीचे की साइड ड्रैग कर दें, तो बाकी सभी के मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप मैक्स फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब मिनिमम फॉर्मूला के बारे में सीखें। क्या आप बता सकते हैं मिनिमम फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं? मिनिमम फॉर्मूला की मदद से आप किसी भी रिकॉर्ड डेटा अथवा नंबरों में से मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। आइए अब सामने दिए गए चित्र की मदद से मिनिमम के फॉर्मूला को लगाने के तरीके को समझें। अब वीडियो की मदद से मिनिमम फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से मिनिमम फॉर्मूला के बारे में सीखें। मिनिमम का उपयोग कैसे करते हैं? जैसे कि आप सभी को पता है, मिनिमम से हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले जहाँ पे आपको निकालना है मिनिमम वैल्यू, वहां पे कर्सर रखें, इक्वल टू का सिंबल लाइन, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। मिनिमम के लिए आप MIN टाइप करेंगे। MIN टाइप करने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करें, फिर जिस नंबर में से आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है उस नंबर को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि हमने इन 3 नंबर को सेलेक्ट किया, और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दें। एंटर बटन प्रेस करें, जो इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अगर आपको बाकी सभी मिनिमम वैल्यू निकालना है, कर्सर को यहाँ पे रखें और नीचे ड्रैग कर दें। ड्रैग करने के बाद बाकी सभी की मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप मिनिमम फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। अब आप सभी अपनी फाइल को PDF में कन्वर्ट करके दिखाएं। अब आप अपनी फाइल को सेव करें और फिर अपने कंप्यूटर को शट डाउन करें। आज की क्लास में आपने
व्यू मेन्यू के कुछ ऑप्शन के बारे में सीखा, जैसे कि नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रीव्यू, टूल बार, हाइलाइटिंग वैल्यू, जूम ऑप्शन के बारे में सीखा, और सबसे लास्ट में आपने कुछ फॉर्मूला जैसे कि सम, मैक्सिमम, मिनिमम के बारे में सीखा।